रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मैं हूं सुशांत पांडे और आप देख रहे हैं भारत लाइव। लगातार पप्पू यादव सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जिस तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और हर जगह पर जाके दवा, खाना, पानी, दूध बांट रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं पप्पू यादव। कुछ दिन पहले ट्विटर पर टॉप 5 में जगह बनाई थी पप्पू यादव ने। अब कहीं ना कहीं ट्विटर पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। अपने ट्विटर के माध्यम से नीतीश कुमार से 5 बड़े सवाल उन्होंने किया है। सवाल क्या है आप खुद देख लीजिए। उन्होंने लिखा, एक वीडियो डाला है, वीडियो कल का वीडियो है। कल वो गए हुए थे बाढ़ पीड़ितों से मिलने, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने, कल का वीडियो है। और उन्होंने सवाल किया है, देख सकते हैं आप, क्या इनके लिए दशहरा नहीं है? इनके जीवन की खुशियां हरने वाला रावण का नाश कब होगा? ये नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सुशील मोदी से भी सवाल कर रहे हैं कि क्या जो इनके जीवन में जो हुई है, जो बाढ़ आया है, इनके घरों में पानी घुसा है, खाने के लिए तरस रहे हैं ये लोग, तो इनके जीवन का रावण जो है वो कब नाश होगा? उसके बाद उन्होंने लिखा है, उसे कब जलाया जाएगा? कहीं ना कहीं घेर रहे हैं कि इस सबके पीछे जिसका हाथ है, जो आरोपी है, उसको कब सजा मिलेगा? इनकी विजयदशमी कब होगी? इनके लिए न्याय की जीत कब होगी? इनके साथ अन्याय करने वालों को कब सजा मिलेगा? ये साफ तौर पे नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं कि इसके पीछे जो भी जिम्मेवार लोग हैं, जो जिनकी वजह से राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, भूतनाथ या पटना का तमाम वो इलाका जो डूब गया था, आखिर किसकी वजह से डूबा था, और जिसकी वजह से डूबा था उसको सजा कब मिलेगा? लगातार पप्पू यादव सवाल कर रहे हैं, सुशील मोदी को घेर रहे हैं। जिस तरह राजेंद्र नगर में सुशील मोदी फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू करके निकाला गया, उनके पड़ोसियों को छोड़ दिया गया, आप देखे ही थे, लगातार हम कवरेज कर रहे थे, भारत लाइव की टीम लगातार उन चीजों को दिखा रही थी, सरकार की खामियों को दिखा रही थी, नगर निगम की खामियों को दिखा रही थी, एनडीआरएफ की टीम की जो खामियां थी वो दिखा रही थी। किस तरह से पप्पू यादव तो है ही, राहत सामग्री बांट ही रहे थे, लेकिन कुछ एनजीओ के लोग भी जुड़े हुए थे और राहत सामग्री लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया जाता था, उनसे राहत सामग्री ले लिया जाता था और पता नहीं उन लोग को जो बाढ़ में फंसे थे उन तक पहुंचता था कि नहीं, ये पता नहीं है। लेकिन लगातार लोग जिस तरह से पप्पू यादव से जुड़ने लगे हैं, सड़क पे, बीच सड़क पे रोक के कहीं जा रहे हो पप्पू यादव राहत सामग्री पहुंचाने, तो उनको रोक के पैसे हेल्प कर रहे हैं और सवाल पूछने पर कि आपने ये पैसा पप्पू यादव को ही क्यों दिया? बिहार में बहुत सारे एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं, सरकार है जो काम कर रही है, तो लोगों का जवाब है कि पप्पू यादव सही में काम कर रहे हैं, पप्पू यादव लोगों के बीच जा रहे हैं, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और हमको पप्पू यादव पे भरोसा, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए कहीं ना कहीं पप्पू यादव अब लोगों के दिलों में बसने लगे हैं। कल जिस तरह से फतुहा विधानसभा में पप्पू यादव ने अपना परचम लहराया, अपना नाम कमाया है फतुहा विधानसभा में, जो कि संसदीय क्षेत्र पड़ता है रविशंकर प्रसाद का, और विधानसभा क्षेत्र पड़ता है रामानंद यादव का, जो कि आरजेडी के विधायक है, बीजेपी सांसद है और आरजेडी विधायक है, फिर भी विकास इस कदर है कि सड़क बह गया है और कोई देखने तक नहीं गया, लेकिन पप्पू यादव वहां पहुंचे और खुद जेसीबी चला के सड़क बनवाया। सड़क उनको लगा कि सड़क थोड़ा कमजोर है, तो फिर एलएनटी वहां बगल में ऑफिस था एलएनटी के, वहां गया और उनसे कहा कि ये बगल में जो सड़क टूटा हो उसका निर्माण कर दीजिए, ताकि लोगों को अपने घरों में जाने में कठिनाई ना हो। ऐसे में पप्पू यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार से ये सारे सवाल पूछे हैं कि ये जो इनके जीवन का जो रावण है, जो इनके जीवन को खराब कर रहा है, इनके घरों में पानी जो बढ़ गया है और उसके पीछे जो रावण है, उसका वध कब होगा? बने रहे हमारे साथ और देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।